हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम ढाबा स्टाइल शाही पनीर बनाने जा रहे हैं और यह शाही पनीर बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सामग्री ली है, तो प्याज लिए हैं 4-5 और टमाटर लिए हैं 4 और काजू लिए हैं 10-12 और दही लिया है कटोरी में। अब काजू के अंदर पानी डाल देंगे, यानी 15-20 मिनट तक के लिए भिगो के रखना या पहले भी भिगो के रख सकते हैं। अब टमाटर प्याज इनका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर और प्याज को दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम काजू को भी पीस लेंगे। तो शाही पनीर में काजू तो डालना होता ही है, तो काजू से सब्जी टेस्टी बनती है। काजू को मैंने मिक्सर जार के अंदर डाल दिया है। अब पानी डालेंगे 1/2 गिलास, उसके बाद में इनको पीस लेंगे। काजू को भी मैंने पीस लिया है। अब यह सारी सामग्री अलग से रखते हैं और यहाँ पर पनीर ले लेंगे और पनीर को कट कर लेंगे। तो मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, आप ज़्यादा कम ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन कर देंगे। अब सरसों का तेल डाल देंगे, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से सब्ज़ी अच्छी बनेगी। और तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छी तरह से चटकने देंगे, उसके बाद में 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और अब डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें पक जाने के बाद में डाल देंगे। यहाँ पर जो प्याज ग्राइंड करके रखे थे ना, वो डाल देंगे। अब प्याज को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देंगे, यानी कच्चापन दूर होने देंगे। जितना प्याज अच्छा पकेगा, उतनी ही हमारी जो शाही पनीर की सब्ज़ी है वो अच्छी बनेगी। तो इस पेस्ट को 4-5 मिनट तक के लिए पकने देना है। तो आप देख सकते हैं तेल ऊपर तैर कर आ गया है, यानी प्याज अच्छे से पक चुके हैं, कच्चापन दूर हो चुका है। अब यहाँ पर डाल देंगे जो हमने काजू पीस के रखे थी, वो डाल देंगे। और इनको ज़्यादा नहीं पकने देना है, क्योंकि इसमें कोई कच्चापन नहीं होता है, ये बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए ही पकने देना है। तो काजू का पेस्ट पक चुका है। अब डालेंगे यहाँ पर टमाटर की प्यूरी, जो हमने टमाटर पीस के रखे हैं उनको भी डाल देंगे और 1.5 मिनट के लिए टमाटर के पेस्ट को भी पकने देंगे। टमाटर का पेस्ट पक चुका है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1/2 कटोरी दही। दही ताज़ा ही होना चाहिए, अगर खट्टा होगा तो सब्ज़ी भी खट्टी खट्टी बनेगी, टेस्टी नहीं बनेगी। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, कुछ सेकंड तक के लिए पकने देंगे। अब डाल देंगे यहाँ पर मसाले। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। और इसके बाद में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और इसके बाद में डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपके पसंद हो तो डालना कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर आता है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है, इससे क्या है कि सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप घी की जगह मलाई भी डाल सकते हैं, दूध जो ऊपर से उतारते हों। और अब डाल दिया है मैंने इलायची पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम लो रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, सारा पेस्ट और मसाले हमारे अच्छे तरह से पक चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है और घी ऊपर तैर के अच्छी तरह से आ चुका है। अब यहाँ पर डाल देंगे पनीर जो हमने कट करके रखी है और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप फ्राई करके डाल भी सकते हैं पनीर, अगर कच्ची पसंद नहीं है तो, लेकिन शाही पनीर कच्ची पनीर से ही अच्छी बनती है। और अब पकने देंगे 2-3 मिनट तक के लिए। और तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब लास्ट में डाल देंगे यहाँ पर शाही पनीर मसाला, अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। सब्जी मसाला या फिर कोई भी मसाला डाल सकते हैं। अब कुछ सेकंड तक के लिए और पकाएंगे। तो शाही पनीर हमारी तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है। इस सब्जी को चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ढाबा स्टाइल हमारी शाही पनीर तैयार है। अगर यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स दोस्तों, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।